तो फाइनली गाइस अभी हम खमसा मार्केट के पास पहुंच गए हैं। ये देखिए यही वाली मार्केट है, पांच रेल वाली मार्केट। मतलब टी शर्ट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पे लगी हैं। तो अभी तक कितना सामान लिया फैसल भाई? जैसे कि जद्दा, रियाद, दम्माम यानी कि सऊदी अरब में जितने शहर हैं, तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मेरा नाम है सुनील और आप लोग देख रहे हो सुनील अरब ब्लॉग यूट्यूब चैनल। गाइस तो गाइस अभी यहाँ पे शाम के 5 बजे हैं और गाइस अभी हम यहाँ पे हम लोग रोड पे जा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो गाइस आज हम जा रहे हैं हम लोग खमसा मार्केट घूमने के लिए। यहाँ पे एक पाँच रेल वाली मार्केट है तो उसको यहाँ पे खमसा मार्केट बोलते हैं। तो उसी में गाइस आज हम लोग थोड़ा घूमने के लिए जा रहे हैं और हमारे फैसल भाई भी साथ में जा रहे हैं। जैसा कि गाइस आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, फैसल भाई हमारे साथ मार्केट करने गए थे। तो आज यहाँ पे भी हम लोग खमसा मार्केट में जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा सामान और लेना है, जो भी ज़रूरत का सामान लेना है घर ले जाने के लिए, तो इसीलिए गाइस हम इनके साथ जा रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे रास्ते पे चल रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से गाइस हमारा रूम, इसीलिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। और यहाँ का सीन गाइस इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है क्योंकि शाम का वक्त है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा है, आप देख सकते हो दोस्तों। यार गाइस हम वीडियो बनाते बनाते बहुत ही पीछे हो गए और वो लोग आगे चले गए, तो अभी हमको दौड़ के जाना पड़ेगा। चले चलते हैं उन लोगों के पास। तो फाइनली गाइस अभी हम खमसा मार्केट के पास पहुंच गए हैं। ये देखिए यही वाली मार्केट है, पांच रेल वाली मार्केट। तो अभी गाइस हम इसी के अंदर जाने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पे गाइस मार्केट के अंदर पहुँचने के बाद में सबसे पहले चले गए हम आपको यहाँ का थोड़ा सा 3D सीन दिखा देते हैं। वैसे गाइस मार्केट तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है और यहाँ पे बहुत खूबसूरत भी लग रही है, तो चलिए देखते हैं यहाँ का क्या सीन है। अभी हम लोग मार्केट के अंदर आ गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारे फैसल भाई यहाँ पे हैं और यहाँ पे अलिफ है, दोनों लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं। तो यहाँ पे फैसल भाई ने अपनी खरीदारी यहाँ पे स्टार्ट कर दी। अब हम चलते हैं गाइस आपको यहाँ का मस्त मस्त सीन दिखा देते हैं मार्केट का, यहाँ पे किस तरह की मार्केट है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब आपको हम यहाँ का पूरा सीन दिखा देते हैं गाइस। यहाँ पे कैसे जितना सामान यहाँ पे लगा हुआ है सब यहाँ पे 5 रियाल का है, 5.75 रुपये का है। ये वैसलीन है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 5.75 रुपये। 5 रियाल का यहाँ पे ज़्यादा सामान है, इसीलिए 5 रियाल का मार्केट का नाम है, यहाँ पे खमसा मार्केट बोलते हैं इसीलिए कैसे इसको यहाँ पे। और यहाँ पे फेयर एंड लवली क्रीम है जो इसका दाम शायद ज़्यादा होगा यहाँ पे, ये देखिए गाइस यहाँ पे 13 रियाल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ उपलब्ध है इसीलिए यहाँ पे इसका रेट यहाँ पे ज़्यादा है। और यहाँ पे जो भी सामान है वो सब 5 रियाल का है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई कोई चीज़ का दाम यहाँ पे ज़्यादा है, जो बड़ा सामान है मतलब ज़्यादा दाम वाला। और अभी गाइस हम यहाँ पे चप्पलों के सेक्शन में आ गए, जहाँ पे ये सब चप्पल यहाँ पे लगे हुए हैं, ये सब पूरा यहाँ पे चप्पल का सेक्शन है, जितना आप वहाँ तक देख सकते हो गाइस चप्पल और जूते यहाँ पे ये सब हैं। और इसी के साथ साथ गाइस हम यहाँ पे अगर बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे ऊपर ये सब बैगेज लगे हुए हैं, हैंड बैग छोटे से बड़े यहाँ पे सभी प्रकार के यहाँ पे ये सब लगे हुए हैं। और गाइस इसी के नीचे यहाँ पे ये सब जूते वहाँ तक लगे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस, ये सब यहाँ पे बच्चों के पहनने के जूते हैं छोटे छोटे। अभी ये वाला सेक्शन हमने आपको दिखा दिया गाइस, अभी इधर चलते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरह से यहाँ पे दूसरे कलर के यहाँ पे जूते हैं, ये भी बच्चों के हैं, इसका शायद प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, ये यहाँ पे देखते हैं 23 रियाल का है, मतलब क्वालिटी के हिसाब से ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी में, इसीलिए यहाँ पे 23 रियाल का है। और ये थोड़ा मतलब जो आप लोगों को पहले दिखाया इधर तो लो प्राइस में थे,
तो उसका थोड़ा प्राइस कम था। इसी तरह से यहाँ पे हैं सब। चलिए अभी आगे चलते हैं गाइस। यार यहाँ पे गाइस मॉल बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हैं। ₹90 आप देख सकते हो यहाँ पे, जो यार बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे है ₹60। यहाँ पे ये बर्तन थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए इसका प्राइस ज़्यादा है। और यहाँ पे सब हर प्रकार के, यहाँ पे छोटे से बड़े से रिलेटेड, यहाँ पे सभी तरह के यहाँ पे बर्तने यहाँ पे हैं। और यहाँ पे प्लास्टिक के डिब्बे हैं जो मसाला वगैरह कुछ भी किचन के लिए जो ज़रूरत लगता है, तो यहाँ पे छोटे छोटे डिब्बे यहाँ पे सब रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए गाइस, ये ₹6 का है, तो 6 पीस है यहाँ पे। और मतलब जो डिब्बा यहाँ पे बड़ा होता है तो उसमें कम दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे 3 डिब्बे हैं तो इसका भी दाम उतना ही है, लेकिन ये बड़े साइज़ के हैं इसीलिए यहाँ पे 3 पीस हैं। और आगे भी ये सब डिब्बे यहाँ पे हैं। और दूसरी साइड यहाँ पे देखते हैं इस सेक्शन में, तो यहाँ पे ये सब टिफ़िन बॉक्स हैं। और यहाँ पे गए दूसरे सेक्शन में, इधर देखते हैं तो यहाँ पे सब प्लास्टिक का सामान है, ये प्लास्टिक के प्याले हैं। और इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे प्लास्टिक के जग हैं पानी पीने वाले, तो यहाँ पे ₹5 के हैं। और यहाँ पे दूसरी साइड में यहाँ पे इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पे ये देखिए ये ₹11.50 का है। और ऊपर में भी उसी तरह से यहाँ पे हर प्रकार के यहाँ पे जग लगे हुए हैं पानी पीने के, छोटे से बड़े से रिलेटेड यहाँ पे सब। और इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे छोटे छोटे टैंक हैं जो इनमें पानी भर के पिया जाता है, घरों पर रखा जाता है, और ये गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनमें बर्फ़ डाल के पानी रखा जाता है पीने के लिए, तो ये मतलब सफ़र के लिए भी सही रहता है। कोई भी इनको सऊदी लोग घूमने जाते हैं तो इनको गाड़ियों में रख लेते हैं और इनको साथ में लेके जाते हैं, तो यार बहुत ही आसान रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे भी गए, यहाँ पे सब प्लास्टिक के बॉक्स हैं। पहले हमने आपको जो उधर बड़े बॉक्स दिखाया तो वहाँ पर बड़े बॉक्स लगे थे, और यहाँ पर छोटे बॉक्स हैं। और यहाँ पर गए से सब प्लेटें लगी हुई हैं जो यार बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर ये सब प्लेट हैं गए। और अभी गाइस देखें यहाँ पे खाना पैक करने वाले बॉक्स हैं जो यहाँ पे ज़्यादा चलते हैं, मतलब होटलों में जो खाना पैक किया जाता है तो यहाँ पे ये ज़्यादा चलते हैं गाइस, जो नाश्ता और खाना जो भी पैक किया जाता है तो इन्हीं में पैक होता है गाइस। छोटे और बड़े यहाँ पे सभी प्रकार के यहाँ पे ये सब रखे हुए हैं।
तो अभी चले गए हम यहाँ पे, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे गए सपरे हैं, तो यहाँ पे गए आप लोगों ने हमारे किसी वीडियो में देखा होगा कि जैसे कि यहाँ पे लोग खाना खाते हैं तो इसको बिछाया जाता है नीचे, पन्नी के जैसा होता है, तो यहाँ पे इसको नीचे बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर यहाँ पे लोग खाना खाते हैं। तो यहाँ पे ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं गैस, इनको फाड़ के बिछाया जाता है। यहाँ पे गैस हम एक कोई वीडियो का क्लिप लगा के आपको दिखा देंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये देखे गैस यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे लोग खाते हैं। तो यहाँ पे छोटे और बड़े यहाँ पे सभी सपरे हैं। उधर का सीन तो हमने गैस आपको दिखा दिया, अभी हम और इधर चलते हैं ये साइड। तो यहाँ पे सब चाय और कॉफ़ी पीने वाले यहाँ पे गिलास हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे गए से प्लास्टिक के प्याले हैं जिनको यहाँ पे अरबी में सहन बोला जाता है। ये देखिए छोटे से बड़े यहाँ पे सभी प्रकार के यहाँ पे रखे हुए हैं। और इसी के साथ साथ गए से यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे प्लास्टिक के चम्मच हैं, ये 5.75 रियाल का एक पैकेट यहाँ पे चम्मच है। और यहाँ पे गए से कांच के गिलास का सेक्शन है, तो ये 5.75 रियाल का है जिसमें 3 पीस यहाँ पे गिलास है, तो 3 पीस में गए से यहाँ पे 5.75 रियाल का है। तो यहाँ पे गिलास की क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पे रेट लगा हुआ है, जो गिलास जितने का है उसी हिसाब से यहाँ पे प्राइस है। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये सब गिलास का सेक्शन है यहाँ पे पूरा। और दूसरी साइड गाइस यहाँ पे ये तो जो सऊदी में ज़्यादातर चलते हैं यहाँ पे घावा पीने के लिए यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये घावा पीने का कप है। यहाँ सऊदी में घावा ज़्यादा चलता है, और घावा यहाँ पे किस में डाल के यहाँ पे पिया जाता है वो भी चले गए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखे गए यहाँ पे इन्हीं के अंदर चाय और घावा अरबी लोग डाल के इसमें पीते हैं, जो मतलब इसमें डाल के रख दिया जाता है चाय और घावा कुछ भी होता है तो इसके अंदर ठंडा नहीं होता है, तो ये यहाँ पर ज़्यादा चलते हैं गए यहाँ पर सऊदी अरब में। ये सब यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो गए यहाँ पर। तो अभी तक गए हमने आपको इस मार्केट का पूरा सीन दिखा दिया गए। तो यहाँ पे गए इसी तरह से यहाँ पे मार्केट होती है, और यहाँ पे गए जो ये 5 रियाल वाली मार्केट है यानी कि खमसा मार्केट, तो ये गए सऊदी अरब के हर शहर में पाए जाते हैं, जैसे कि जद्दा, रियाद, दम्माम, यानी कि सऊदी अरब में जितने शहर हैं तो यहाँ पे हर जगह पे दोस्तों ये मार्केट होती है। तो फाइनली गए अभी तक हमने आपको पूरे मॉल का सीन दिखाने के बाद में दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बाहर में, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो अभी हम बाहर में आ गए गए। तो फाइनली गए अभी हम मार्केट से निकल के बाहर में आ गए, आप देख सकते हो गए यहाँ पे। तो यार गए यहाँ पे आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताना। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गए जल्दी आप लोगों को किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।